नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रोरागो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके घर पर पड़ने वाली छाया से हो सकते हैं आपको 5 तरह के नुकसान। वास्तु शास्त्र में कई तरह के पौधे बताए गए हैं और कई तरह से भेद बताए गए हैं, जैसे स्तंभन वेद, वृक्ष वेद आदि। उन्हीं में से एक है छाया वेद। छाया वेद अर्थात घर पर पड़ने वाली छाया से किसी प्रकार का वास्तु दोष निर्मित होना। छाया अच्छी भी हो सकती है, छाया बुरी भी हो सकती है और ज्योतिष में छाया को राहु और केतु माना गया है। छाया भेद के कारण परिवार में रहने वाले सदस्य अक्सर बीमार रहते हैं और कभी कभी ये रोग जो है घातक भी हो जाते हैं, जैसे मंदबुद्धि, हृदय रोग, लकवा आदि जो है गंभीर रोग हो सकते हैं। छाया भेद के कारण गृहपति का विनाश हो जाता है या सभी तरह से उसकी उन्नति रुक जाती है। हालांकि ये देखना जरूरी होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है और किस दिशा से और किस प्रकार की छाया होती है, उसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाभ होगा क्या नुकसान होगा, इस बात का पता लगता है। मंदिर, पेड़, पहाड़, ध्वज, मकान और आदि की जो है छाया हो सकती है। यदि 10 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच किसी मंदिर की छाया पड़े तो नकारात्मक वृक्ष की छाया पड़े, ध्वजा की छाया पड़े या ऊंचे भवन की छाया पड़े, पहाड़ की छाया पड़े, स्तूप, खंभे आदि की छाया पड़े तो इसे जो है छाया भेद कहते हैं। छाया 2 प्रहर से ज़्यादा लगभग 6 घंटे मकान पर पड़ती है तो वास्तु शास्त्र में उसे छाया भेद कहते हैं। अतः सभी प्रकार के भेद जान करके ही ग्रह का निर्माण करें। छाया भेद मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, एक मंदिर, वृक्ष, पर्वत, भवन, ध्वज और इसके बाद में जो है एक और होता है वो जो है वृक्ष छाया भेद कहते हैं उसको। तो इस प्रकार से जो है मंदिर, वृक्ष, पर्वत, भवन और ध्वज ये जो है होते हैं और इस प्रकार से ये पांचों जो हैं किस प्रकार से अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार से फ़ायदा देते हैं इसके बारे में जानते हैं। जो ध्वजा छाया है, मंदिर से 100 फीट की दूरी के भीतर बनाए गए मकान ध्वज छाया भेद से पीड़ित रहते हैं, परंतु निर्भर करता है मंदिर की ऊंचाई कितना है, ध्वजा की ऊंचाई कितनी है, क्योंकि हो सकता है मंदिर छोटा हो और उसके ध्वजा की छाया आपके मकान पर पड़ ही रही हो और या नहीं पड़ रही हो। अगर मंदिर की ध्वजा की ऊंचाई दोगुनी जगह को छोड़ करके घर बना है तो दोष नहीं लगता है। और दूसरी हो गई मंदिर की छाया। यदि आपके मकान पर प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक किसी मंदिर की छाया पड़ रही है तो इसको छाया भेद कहते हैं। इस तरह के छाया भेद के कारण परिवार में अशांति रहती है, व्यापार में नुकसान होता है और विवाह और संतान में देरी बनी रहती है। तीसरी छाया होती है पर्वत छाया। यदि आपके घर के पास पहाड़ है या पहाड़ी जैसा कोई टीला है जिसकी छाया आपके भवन पर पड़ रही है तो ये भी देखना होगा कि किस दिशा में पड़ रही है और किसी भी भवन के पूर्व दिशा में स्थित जो है पर्वत की छाया मकान पर पड़ना ही पर्वत छाया भेद कहलाता है, बल्कि दिशाओं में से कोई असर नहीं होता। पर्वत छाया भेद के कारण मुख्य रूप से प्रगति में रुकावट आती है और लोकप्रियता घटती है। भवन छाया भेद, यदि आपके मकान से कोई दूसरा मकान बना हुआ है और उसकी छाया आपके मकान पर रहेगी, लेकिन इसमें दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मकान की छाया भी यदि आसपास किसी बोरिंग या कुएं पर पड़ती है तो इसको भवन छाया भेद कहा जाता है। इस प्रकार के भेद के कारण धन हानि होती है और ये भी कहा जाता है कि एक घर से दूसरे घर में भेद यानी छाया भेद पड़ने पर गृहपति का विनाश होता है। पांचवा है भेद, वो वृक्ष छाया भेद है। प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यदि किसी वृक्ष की छाया मकान पर पड़ती है तो नुकसान ही नुकसान होता है। इसमें जो है दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, इस भेद से उन्नति रुक जाती है और इसकी जो है आग्नेय दिशा में बट का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, सेमल का वृक्ष, पाकड़ का वृक्ष, गुलर का वृक्ष होने से पीड़ा और मृत्यु होती है। नकारात्मक वृक्षों की छाया से रोग और शोक, निर्मित जनित कष्ट मिलते हैं।
आपको हमारी दी हुई जानकारी कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।